मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कोई भी राहत नहीं है, मौतों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आई है। वहीं संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 21 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 13 जिलों में मरीजों की मौत दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 13,049 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमण के मामले बढ़ने से एक्टिव केस भी फिर बढ़ चुके हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 94,148 हो गई है। आपको बता दूं, राजधानी जयपुर के साथ ही अलवर और जोधपुर सबसे अधिक संक्रमित वाले जिले। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में भले ही कोरोना अपने पीक पर पहुंच रहा है, भले ही 94,000 से अधिक एक्टिव केस है, पर शिक्षा विभाग प्रदेश में स्कूलों को खोलने पर दोबारा मंथन कर रहा है। आपको बता दूं, कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 30 जनवरी तक स्कूल बंद है। इधर विभाग इस मंथन में लगा है कि 30 जनवरी के बाद स्कूल खोलना चाहिए या स्कूल बंद रहने की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालक स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं बच्चों के पेरेंट्स बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराने पर अड़े हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री का तर्क है कि विदेशों में तो लोग कोरोना के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं, ऐसे में यह संकेत भी है कि 30 जनवरी के बाद स्कूल फिर से खुल सकते हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम कस्बे की दुकानों पर आई लव यू लिखी हुई साड़ी बिकने के विरोध में मीणा समाज के युवाओं ने हंगामा कर दिया। युवाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। समाज के प्रमुख लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। बाद में दुकानदारों ने इस तरह की साड़ी नहीं बेचने का निर्णय लिया है। दरअसल दुकानों पर बेची जा रही साड़ियों व स्थानीय ओढ़नी पर कसीदे के प्रिंट से आई लव यू लिखा हुआ था। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पूर्व डाकू और विधायक आमने सामने हो चुके हैं। पूर्व डकैत जगन गुर्जर और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। जगन गुर्जर की ओर से दूसरा वीडियो वायरल होने के बाद बाड़ी विधायक देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने जयपुर भी पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि पूर्व दस्यु जगन गुर्जर दो बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी दी थी। विधायक मलिंगा पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। दूसरी तरफ विधायक ने कहा है कि मैं खुले में घूम रहा हूं, लेकिन वह छुप कर बैठा है। अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आए, उसमें इतनी पीतल भर दूंगा कि डॉक्टर पोस्टमार्टम करते वक्त बोलेगा कि थोड़ी सी जगह तो छोड़ देते। एक और बड़ी खबर, रीट पेपर लीक मामले में बुधवार को एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। रीट का पेपर जयपुर से शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ था। भजन लाल से पूछताछ के बाद एसओजी ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक एसओजी ने इस पूरे मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यानी कि रीट में कहीं न कहीं बड़ी धांधली हुई है। और अब जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही है, उसके बाद लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी बड़ा खुलासा हो सकता है। एक और बड़ी खबर, 9 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने यह ऐलान किया है। पेपर लीक, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के विरोध में 9 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव होगा। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, राजस्थान में गलन भरी सर्दी का दौर अभी भी जारी है और अगले दो दिनों तक कई जिलों में शीतलहर चल सकती है। झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर समेत कहीं कहीं पर तेज हवाओं का दौर भी देखा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। दोपहर में अब लोगों को सर्दी से छुटकारा मिलना शुरू हो गया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।